बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो निकल के सामने आ रही है गेहूं की, यानी कि वीट की। तो आपको बता दें कि गेहूं का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले इस साल कुछ कम ही हुआ है, लेकिन इसके निर्यात पर रोक लगा दिए जाने से दाम नीचे उतरने भी लगे हैं। दो दिन पहले तक किसानों और अनाज कारोबारियों को फायदा पहुंचाने वाला गेहूं अचानक अब नुकसान भी पहुंचाने लगा है। गेहूं के दाम में गिरावट के बावजूद आटा के कारोबार में लगे लोग चांदी पीट रहे हैं। पिछले साल तक कोविड का प्रभाव होने से आटे की दर 22 से 23 रुपए किलो के आसपास रही थी, वहीं इस साल हालात बदलने के बाद भी आटा के दाम 30 रुपए के ऊपर ही बने हुए हैं। कुछ बड़ी कंपनियों का आटा तो 38 रुपए प्रति किलोग्राम तक भी बिक रहा है। आटा बनाने में कच्चा माल के रूप में गेहूं का ही इस्तेमाल होता है, जो बाजार में अपेक्षाकृत कम दामों पर उपलब्ध है, लेकिन आटा मिलर ने आटे का भाव कम नहीं किया है। उनकी ओर से कीमत बढ़ाए जाने के ही संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। आटा मिल संचालकों का कहना है कि बाजार से महंगा गेहूं खरीद कर स्टोर कर लिया था, जिसे पीस कर वे अब सस्ता आटा बेचने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। जबकि भविष्य में गेहूं के दाम घटने के बाद आटा मिलर की लागत और भी नीचे जाने की संभावना बनी हुई है। निर्यात पर रोक लगने से गेहूं की बाहर होने वाली सप्लाई बंद हो चुकी है, इस वजह से गेहूं के दाम और भी नीचे जा सकते हैं। लेकिन मिलर ने ऊंचे दामों पर गेहूं स्टोर कर लिया था, इसलिए अब वो आटा का दाम कम करने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी कि जब से सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है कुछ ढीलों के साथ, तब से गेहूं के दामों में कुछ नरमी तो आई है, लेकिन जिन मिलरों ने, जिन व्यापारियों ने ऊंचे दामों पर गेहूं खरीद लिया था किसानों से मंडियों में जाने से पहले ही उनके घर पर ही, तो उन्होंने अब ऊंची दामों पर गेहूं तो खरीद लिया, लेकिन अब जब गिरावट आई है तो आटे के जो दाम है वो भी गिरने चाहिए थे, लेकिन अब आटे के दाम नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि मिल संचालकों का कहना है कि जब उन्होंने अपना गेहूं महंगे दामों पर खरीदा है तो वो मार्केट में अपना जो आटा है वो भी महंगे दामों में ही उतारेंगे, क्योंकि उनको अपनी लागत भी निकालनी है।